मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने मानस भवन में आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ दिगंबर राव पापरीकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का शुभारंभ किया। सिंधिया ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराए विकास कार्यों का वर्णन भी किया। साथ ही ग्वालियर के विकास के लिए 500 करोड़ का नया एयरपोर्ट, 250 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन व 1000 करोड़ की रिंग रोड से ग्वालियर का कायाकल्प करने की घोषणा की। बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, धार्मिक कार्यक्रम हुआ है और मानस भवन का एक सदैव एक योगदान रहा है ग्वालियर की सोच और विचारधारा के प्रति। युग युग में मानस भवन ने सदैव ग्वालियर को एक तरीके से एक स्थान दिया है जिससे दिशा निर्देश भी तय हुआ है और आज उस मानस भवन में इतना प्राचीन और आधुनिक दोनों पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। डॉक्टर पापरीकर जी का सपना था जो उनके चिरंजीव ने आज मानस भवन समिति ने पूर्ण की है। प्राचीन रामायण भी रखी गई हैं, अनेक भाषाओं में रामायण रखी गई हैं,